हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए विद स्टैटिक जीके, एंड ये रहने वाली है 6th of May की। एंड आप सभी ने मुझे कहा था कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स का भी पीडीएफ चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी। अभी तक मैं डॉक्यूमेंट फाइल सेंड करती थी आपको, जो कि आपको डिटेल्ड होती थी, तो उसके साथ साथ मैं हैंड रिटन फाइल भी आपको देने वाली हूँ, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी तक मैं शेयर नहीं कर रही थी, बट काफ़ी लोगों की डिमांड्स आई हैं कि मैम आप हैंड रिटन नोट्स का भी पीडीएफ शेयर करिए, तो वो डेफिनेटली शेयर करूँगी मैं टेलीग्राम चैनल पे। सो आज से ही वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, एंड ये रहने वाली है कैटेगरी वाइज। तो फर्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग एंड फिनेंस की। सो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, एक्सिस बैंक और इंडिया शेल्टर फिनेंस जो है वो एक पार्टनरशिप में जा रहे हैं। सो ये कोलैंडिंग पार्टनरशिप होने वाली है, जो कि आपस में पार्टनरशिप करके एमएसएमई लोन्स को ऑफर करेंगे, ठीक है। सो याद रखना है ये पार्टनरशिप किस किस के बीच हुई है, एक्सिस बैंक और इंडिया शेल्टर के बीच में ये आपकी पार्टनरशिप हुई है, जिसको करके वो एमएसएमई लोन्स को ऑफर करेंगे कस्टमर्स को, ठीक है। सो याद रखिएगा, एक्सिस बैंक एंड इंडिया शेल्टर फिनेंस जो है वो आपस में कोलैंडिंग पार्टनरशिप कर रही है, ताकि एमएसएमई लोन्स ऑफर कर सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सिस बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, द्वारा स्मार्ट गोल्ड जो है वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जा रहा है, यानी कि वो पार्टनरशिप करने जा रहा है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। सो ये एसएफबी है, दैट इज जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड इसके साथ द्वारा स्मार्ट गोल्ड जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहा है, ताकि ऑफर कर सके गोल्ड लोन। सो ये वैसे ही एक स्मार्ट गोल्ड करके जो है, द्वारा स्मार्ट गोल्ड है वो वैसे ही एंटिटी है जो कि गोल्ड से रिलेटेड है। सो ये आपस में पार्टनरशिप करेंगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, ताकि ये गोल्ड लोन्स को ऑफर कर सके जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू, ठीक है। सो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। देन नेक्स्ट है, साउथ इंडियन बैंक जो है वो एनेबल करने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स। सो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक गारंटी बैंक गारंटी फैसिलिटी किसके द्वारा एनेबल की जा रही है, साउथ इंडियन बैंक के द्वारा ये एनेबल की जा रही है। इसे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साउथ में काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, तो वैसे ही आप याद रखिएगा साउथ में, साउथ से रिलेटेड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फैसिलिटी जो है वो देने जा रही है साउथ इंडियन बैंक। सो साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला, एमडी एंड सीईओ है मुरली रामकृष्णन, ठीक है। देन नेक्स्ट एलआईसी जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम। सो याद रखना है आपको, एलआईसी के द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही है पोस्ट रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी जो मेडिकल बेनिफिट होती है उनके रिगार्डिंग भी एक स्कीम लेकर के आ रहे हैं, जो कि है ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम, एंड ये लॉन्च की जा रही है, इंट्रोड्यूस की जा रही है एलआईसी के द्वारा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपकी नेशनल न्यूज़। सो नेशनल न्यूज़ में है, इंडिया जो है वो अप्रॉक्स 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स जो है वो ऐसा कह रही है होने वाले हैं बाई 2025, ठीक है। सो याद रखना है आपको, इंडिया लाइकली टू हैव 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स बाई 2025। देन नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ में है, ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करने जा रही है ओबीसी का सर्वे, ठीक है। सो याद रखना है आपको कि ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा बिहार ओबीसी सर्वे स्टार्ट किया जाना है, एंड ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है, एंड फर्स्ट पोजीशन पे है आपका ओबीसी सर्वे में बिहार। सो बिहार के बाद नाम आता है ओडिशा गवर्नमेंट का, जो कि ओबीसी सर्वे कराने जा रही है, जिसने अभी तक ओबीसी सर्वे करा दिए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ओडिशा से रिलेटेड, गवर्नर है गणेशी लाल, सीएम है नवीन पटनायक, नेशनल पार्क्स हैं सिमलीपाल एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ऊषा कोटी एंड तीकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। सो मैं दोबारा से आपसे कह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को डेली सीए की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स की, ठीक है। द नेक्स्ट है निलोफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 जीता है। सो ये इम्प्रिजेंड है, यानी कि ये प्रिजेंट रह चुके हैं, एंड इन्होंने प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 जीता है, एंड ये किस पे कंडक्ट कराया गया है, प्रेस फ्रीडम डे पे कंडक्ट कराया गया है, जिसके रिगार्डिंग निलोफर हामिदी, नाम याद रखिएगा, इलाही मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने मिलकर के जीता है प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023। सो आपको ये भी याद रखना है, प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। सो प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है 3rd of May को, ठीक है। द नेक्स्ट इज सोशलिस्ट रामकृष्णन जो है उन्हें बनाया गया है मैन ऑफ द सेंचुरी। सो याद रखिएगा, मैन ऑफ द सेंचुरी किन्हें बनाया गया है, सोशलिस्ट जिनका नाम है रामकृष्णन उनको बनाया गया है
मैन ऑफ द सेंचुरी एंड ये है 97 ईयर्स के. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कुछ रैंकिंग्स पे. सो इंडिया जो है उसने 161 रैंक किया है आउट ऑफ 180 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. सो याद रखना है आपको इंडिया की रैंक कितनी आई है, 161 आउट ऑफ 180 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. एंड ये जो रैंक है पहले कितनी थी, 150 थी, बट अब ये हो गई है 161, यानी कि 11 पोजिशन जो हैं वो स्लिप किए हैं इंडिया ने. सो याद रखना है आपको इंडिया की जो प्रेजेंट रैंक है 161 एंड लास्ट ईयर इट वॉज 150. यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है उसकी भी रैंक जो है वो हम लोगों से कम है. सो पाकिस्तान की रैंक प्रेजेंट में है 150 एंड लास्ट ईयर इट वॉज 157. सो आपको याद रखना है, आपको इंडिया का एटलीस्ट याद रखिए कि 161 इन प्रेजेंट है इंडिया की रैंक आउट ऑफ 120 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. ठीक है, द नेक्स्ट है कर्नाटका जो है वो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है इन मैन्युफैक्चरिंग. सो याद रखना है आपको कर्नाटका जो है वो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है इन मैन्युफैक्चरिंग. सेकंड पे आपका आता है तेलंगाना. सो अगर आपसे सेकंड स्टेट पूछ लेते हैं सो दैट इज तेलंगाना. ठीक है, फर्स्ट स्टेट आपका कर्नाटका है जो कि मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है इन मैन्युफैक्चरिंग. द नेक्स्ट है वायनाड जो कि केरला में है उसने टॉप किया है इन स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस रैंकिंग. सो स्वच्छ भारत मिशन की ODF प्लस रैंकिंग में किसने टॉप किया है, वायनाड केरला ने टॉप किया है. ठीक है, द नेक्स्ट REC लिमिटेड जो है उसने लिस्ट किए हैं $750 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटीज. याद रखिएगा REC लिमिटेड जो है उसने $750 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो लिस्ट किए हैं ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी. द नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो याद रखिए इंडियन ओरिजिन इंडियन अमेरिकन जो है अजय बांगा, उन्हें अपॉइंट किया गया है 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. सो 14th प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है, अजय बांगा को बनाया गया है. और वर्ल्ड बैंक के अर्लियर जो प्रेसिडेंट इनसे पहले रह चुके हैं वो कौन है, डेविड मालपास. सो डेविड मालपास जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपके वर्ल्ड बैंक के. एंड इन प्रेजेंट आपके जो अपॉइंट किए जाने हैं वो कौन है, अजय बांगा. ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि अजय बांगा किनको रिप्लेस करने वाले हैं सो वो भी याद रखिएगा, अजय बांगा रिप्लेस करने वाले हैं इंडियन ओरिजिन के इंडियन अमेरिकन पर्सन जिनका नाम है अजय बांगा, वो रिप्लेस करने वाले हैं डेविड मालपास को एंड बनने वाले हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन USA में. द नेक्स्ट है जस्टिस SV बट्टी जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला. सो एक्टिंग चीफ जस्टिस केरला के किन्हें बनाया गया है, SV बट्टी को बनाया गया है. ठीक है, द नेक्स्ट है PESB जो है उसने रिकमेंड किया है पोलवरप मल्लिकार्जुन प्रसाद को टू बी नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ. सो नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ के लिए किनका रिकमेंडेशन आया है, पोलवरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो हैं उन्हें रिकमेंड किया गया है टू बी नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ. ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है. द नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने हैंड ओवर किया है फास्ट पेट्रोल वेसल एंड अ लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप. और ये किसे हैंड ओवर किया गया है, मॉलडीव्स को हैंड ओवर किया गया है. सो याद रखना है आपको ये किसको हैंड ओवर किया गया है, मॉलडीव्स को हैंड ओवर किया गया है. द नेक्स्ट है लूका ब्रेसिल जो हैं उन्होंने बीट किया है मार्क सेल्बे को एंड बन गए हैं ये स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो लूका ब्रेसिल जो हैं वो फर्स्ट टाइम स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं एंड इन्होंने हराया है मार्क सेल्बे को. सो याद रखना है आपको नाम लूका ब्रेसिल एंड ये स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिए स्टैटिक GK से रिलेटेड, जो कि थे आपके करंट अफेयर्स थे विद स्टैटिक GK. सो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड ये थे आपके 6 मई के. सो आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा. एंड जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स का PDF चाहिए, सो आज से ही मैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स का PDF भी शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी ऑन आर टेलीग्राम चैनल. तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगी एज वेल एज आपको डेली सुबह लिंक मिल जाएगा हमारे इस ये सेशन का. सो जुड़े रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बिकॉज यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स लाती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने अपने एग्जाम के टाइम पर प्रिपेयर किए, बिल्कुल वैसे ही लेकर के आई हूँ. सो आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है. सो अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.